कई बार हम गूगल पे में बैलेंस चेक करते हैं तो कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हमको फेस होता है। तो किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और क्या है इसका सॉल्यूशन और रीज़न भी क्या है, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, सॉल्यूशन भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका एक रीज़न ये रहता है कि कई बार जो सर्वर डाउन रहता है बैंक का, उसके कारण भी आप अपना बैलेंस चेक नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैं चेक करूँगा अपना अकाउंट बैलेंस, तो मैं यहाँ से ईज़िली चेकआउट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल, मैं अभी चेकआउट करूँगा तो ईजिली चेकआउट कर सकता हूँ। अगर जो बैंक हमारा है, कोई सा भी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, HDFC, कोई सा भी बैंक हो, अगर उसका सर्वर डाउन रहता है तो कई बार ये काम नहीं करता। मोस्टली जो सर्वर डाउन रहता है वो 2 घंटे में फिक्स हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, हमको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो काफ़ी देर तक फिक्स नहीं हुआ है तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको गूगल पे का डेटा को क्लियर करना पड़ेगा। डेटा क्लियर करना काफ़ी ईजी है, आपको थोड़ी देर तक ऐप को होल्ड करे रखना है। उसके बाद इसमें आपको नॉर्मल, ये आईफोन है करके इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, बाकी इसमें आपको नॉर्मल सेटिंग्स में जाके आप इसका डेटा क्लियर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से फिर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन ट्राई करना जब ये प्रॉब्लम फेस हो तो 2 घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना फ़ोन को, क्योंकि कई बार ये सर्वर प्रॉब्लम रहता है और 2 घंटे में जो भी सर्वर प्रॉब्लम रहता है वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद अपना आप अकाउंट बैलेंस चेक करोगे तो आप ईजिली चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। अगर इसके अलावा और भी कुछ डाउट है इसके रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप इस तरीके से अकाउंट का बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं और यही सब माइनर प्रॉब्लम आते हैं जिससे आप इसे फिक्स कर सकते हैं। और एक और प्रॉब्लम, अगर इसके बाद भी फिक्स ना हो तो कई बार ऐप के में कुछ ग्लिच आ जाता है, जिसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, अपने गूगल पे का जो ऐप है उसको आपको अपडेट करना है। तो जस्ट आपको सिंपल प्ले स्टोर में आना है, इसमें मैं ऐप स्टोर पर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ GPay। देखिए यहाँ से अपडेट कर लेना है। एंड्रॉयड और आईफोन में दोनों में इंटरफेस सेम ही रहता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अपडेट। इसे अपडेट करने के बाद ये जो मैं रीज़न बताया और सॉल्यूशन भी बता दिया, तो इसके अलावा आपको और भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस ये था वीडियो, और भी बाकी वीडियोस चेकआउट करो। तो बस अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।